सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल सोनीपत 24 को। सबसे पहले लेटेस्ट खबरें देखने के लिए बेल आइकन को दबाइए। सोनीपत के सबसे व्यस्त बाजार कच्चे क्वार्टर अपने अतिक्रमण को लेकर हमेशा सुर्खियों में रहता है। 1999 में अतिक्रमण के कारण ही 48 लोग जिंदा जलकर राख हो गए थे। दुकानदारों ने सड़क को इतना छोटा कर दिया है कि अगर कोई हादसा हो जाए तो फायर ब्रिगेड की गाड़ी समय पर नहीं पहुंच सकती। इस समस्या को लेकर प्रशासन ने कई बार अवैध कब्जों को हटाया है, पर दुकानदार है कि मानते ही नहीं। कई बार दुकानदारों के चालान भी काटे गए हैं, लेकिन अतिक्रमण बदस्तूर जारी है। सोनीपत मेयर निखिल मदान एक बार फिर कच्चे क्वार्टर मार्केट में दुकानदारों के बीच पहुंचे और मार्केट में हुए अतिक्रमण को लेकर उनके साथ बैठक की। उन्होंने बताया कि अतिक्रमण को लेकर पिछले लंबे समय से शिकायतें मिल रही थी, जिसके कारण मार्केट के प्रधान भी परेशान थे। प्रधानों ने भी माना कि दुकानदारों ने दुकानों को आगे तक बढ़ाया हुआ है। दुकानदारों के साथ बैठक हुई है और उनसे कहा गया है कि वो अतिक्रमण ना करें। दुकानों की थलियों से आगे किसी भी तरह का सामान रखने की अनुमति नहीं है। कोई भी नियमों की अवहेलना करता पाया गया तो उसका सामान जब्त कर लिया जाएगा और चालान भी किया जाएगा। हम चाहते हैं कि सभी दुकानदार नियमों की पालना सुनिश्चित करते हुए अपना काम अच्छे से करें। बहुत समय से कंप्लेन मिल रही थी, जिसमें प्रधान भी परेशान थे। प्रधानों की मांग थी कि बहुत ज़्यादा दुकानदारों ने आगे अपनी दुकानें बढ़ा रखी थी और पब्लिक से ही बहुत कंप्लेंट आती थी। तो आज यहाँ का दौरा किया, दुकानदारों से रिक्वेस्ट करी है, क्योंकि मैं ये चाहता हूँ कि यहाँ पर जिस तरह पहले एक बार हादसा हुआ था, ऐसा हादसा दोबारा रिपीट ना हो, ताकि यहाँ पर फायर ब्रिगेड वगैरह या एम्बुलेंस वगैरह आप पहुँच सके। तो मार्केट का एरिया खुला होना चाहिए। तो आज दुकानदारों ने खुद अपने आप से पीछे करी है और निगम की टीम भी साथ में है। इन्होंने वार्निंग भी दी है, जो आगे बढ़ाएगा उनके चालान करे जाएंगे।